बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखें, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आज हम बनाने जा रहे हैं गरम मसाला। पैकेटों के गरम मसाले तो हमने बहुत इस्तेमाल कर लिए, अब हम करेंगे घर का गरम मसाला। और इसे बनाने के लिए जो जो सामान चाहिए मैं आपको वो बता दूँ। इसे आप मैजिकल गरम मसाला भी कह सकते हैं। और इसे बनाने के लिए जो सामान चाहिए वो ये है। जायफल ले ली है मैंने, 2 अदद लिए दोस्तों जायफल। जावेत्री के मैंने फूल ले लिए हैं, 3 से 4 अदद हैं। दालचीनी के स्टिक लिए, तकरीबन ये होंगी 5 से 6 अदद हैं। सफ़ेद मिर्ची ले ली है मैंने दोस्तों, ये आधा खाने का चम्मच ली है। काली मिर्ची ली है मैंने, 1 खाने का चम्मच मैंने भर के ले ली है। तेज़पत्ता लिया है मैंने, तकरीबन 3 से 4 अदद है। बादियान के फूल ले लिए मैंने, इसको स्टार फूल भी बोलते हैं, ये भी मैंने 8 अदद लिए, 8 से 9 अदद ले लिए। और लौंग ली है मैंने दोस्तों, ये भी 1 खाने का चम्मच मैंने इसको भर के ले लिया था। बड़ी इलायची ली है, 7 से 8 अदद है बड़ी इलायची, इसे बोलते हैं पीपली। ये बाज़ार में आसानी से मिल जाती है, अगर आपको बाज़ार में ना मिले तो पंसारी की शॉप पे आपको ये मिल जाएगी। ज़ीरा मैंने लिया है, सफ़ेद ज़ीरा लिया है, 1 खाने का चम्मच मैंने भर के ले लिया है सफ़ेद ज़ीरा। छोटी इलायची मैंने ली है, ये भी 1 खाने का चम्मच ले ली है। काला ज़ीरा लिया है, इसको शाही ज़ीरा भी बोलते हैं दोस्तों, ये भी मैंने 1 खाने का चम्मच लिया है। सौंफ ले लिए, 1 खाने का चम्मच लिए सौंफ। धनिया मैंने ले लिया है, 1.5 से 2 खाने के चम्मच साबुत धनिया लिया है दोस्तों, और इसको बोलते हैं कबाब चीनी। ये आपको पंसारी की शॉप पे आसानी से मिल जाएगी। ये ज़्यादा कबाबों में इस्तेमाल होती है दोस्तों, और इसका ज़ायका बहुत ही मज़ेदार होता है। और मैंने नमक लिया है 1 चाय का चम्मच। चले बनाना स्टार्ट करते हैं मैजिकल गरम मसाला। सबसे पहले दोस्तों हम मसाले को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। पहले हम धनिया लेंगे, सौंफ और ये सफ़ेद ज़ीरा। पहले हम इसको इसकी नमी भून लेंगे मसाले को, कि मसाले में बिल्कुल भी नमी ना रहे दोस्तों। ये बहुत ही मज़ेदार गर्म मसाला हमारा बनके रेडी होता है दोस्तों, और इसमें इतनी अच्छी खुशबू होती है कि मैं आपको क्या बताऊं। जैसे कि बड़ी ईद आ रही है, बड़ी ईद पर हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। आप अभी से इसको तैयार करके रख दीजिएगा। ये देखें दोस्तों, हमें 70% इसको भूनना है, 100% हमें नहीं भूनना, मसाले को हमें जलाना नहीं है, और लो फ्लेम पे हम भूनेंगे। अब इसके अंदर हम काला ज़ीरा है जिसे शाही ज़ीरा भी बोलते हैं, ये शामिल कर देंगे। बस इसको हम अब इसको निकाल कर पंखे के नीचे ठंडा करने के लिए रख देंगे। इसको हम गर्मा गर्म नहीं पीसेंगे। फिर मैं आपको बाकी के मसाले भून के बताती हूँ। बाकी के मसाले अब हम सारे शामिल कर देंगे दोस्तों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको हम भून लेंगे लो फ्लेम पर, और ये कबाब चीनी ये भी शामिल कर देंगे। हमें 70% भूनना है, 100% हम नहीं भूनेंगे। ये देखें 70% मैंने इसे भी भून लिया है दोस्तों। इसको हम ठंडा करने रख देंगे। अब इसमें 1 चाय का चम्मच जो मैंने आपको नमक बताया था हम वो भी शामिल कर देंगे, और इसको निकाल लेंगे। बस ये भून चुका है दोस्तों, 70% भूनना है हमें, 80% या 100% हम नहीं भूनेंगे। ये देखें दोस्तों, मसाले को मैंने भून लिया है, बहुत गर्म हो रहा है ये। इसको हम ठंडा करने रख रहे हैं पंखे के नीचे, ये ठंडा हो जाएगा जब हम इसको पीसेंगे। अगर आप इसको गर्मा गर्म पीसेंगे तो हमारा मसाला जल जाएगा, इसकी खुशबू उड़ जाएगी, इसमें फिर वैसी खुशबू नहीं रहेगी जैसी होनी चाहिए। चलिए अब इसको हम ठंडा करने रख देते हैं दोस्तों। अब गरम मसाला ठंडा हो चुका है, अब इसको हम पीस लेंगे मिक्सी जार में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस ये याद रखिएगा कि ये गरम नहीं पीसना हमें, गरम पीसने से इसकी सारी खुशबू उड़ जाती है। अब हम पीस लेंगे। देखें दोस्तों, मसाला हमने पीस लिया है, ये रेडी है। बस मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, हमारा मैजिकल गरम मसाला रेडी हो चुका है। आप इसको ज़रूर बनाइएगा। आप इसको कांच के जान में सेव करके रख सकते हैं, 1 से 2 साल तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। जब तक तो ये आपका ख़त्म भी हो जाएगा, ये ख़राब तो होगा ही नहीं। तो आप इसको बनाइएगा, ये बकरा ईद आ रही है, आप इसको महफूज करके रख सकते हैं, अभी से बना के रख लें आप। बकरा ईद पर आप इसको बिरयानी में, जितनी भी डिशें हमारी अब बनती है बकरा ईद पर, आप उसमें सब में इस्तेमाल कर सकते हैं। बिरयानी में, कौरमे में, कलेजी में, भुना गोश्त में, सब में ये इस्तेमाल होता है। आप इसको बनाएं और मुझे बताइएगा ये आपको कैसा लगा है। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज़।